जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हो टेक सॉल्यूशन और मैं हूं सुनील। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस से बिना वाईफाई डोंगल या बिना लैंड केबल या बिना राउटर के आप किस से अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को एक्सेस करके सर्व कर सकते हो। ये जो वीडियो है ये मुझे किसी पर्टिकुलर सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा था, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हालांकि मैंने इसे यूज़ कर रखा है लगभग 2018 के टाइम में, तो मैं आपको बताने वाला हूं किस से आप यूज़ कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को ट्रांसफर करने से पहले जान लेते हैं इंटरनेट को ट्रांसफर करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक डाटा केबल चाहिए जो कि अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए और अच्छे स्पीड को आपको इजीली ट्रांसफर करके दे दे। उसके बाद आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए जिससे आप इंटरनेट को अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करोगे, बट मोबाइल में इंटरनेट होना ज़रूरी है, बिना इंटरनेट के आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। उसके बाद एक पीसी या लैपटॉप जिसमें आप इंटरनेट को ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो उसके बाद बढ़ते हैं अगले स्टेप में, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में डाटा केबल को प्लग इन करना होगा, उसके बाद अपने मोबाइल में प्लग इन कर लीजिए। जैसे ही आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर में कनेक्ट होगा वैसे यहाँ पर आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन करना होगा, तो मैं यहाँ पर फटाफट इसके सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सबसे नीचे जाना होगा डेवलपर ऑप्शन के अंदर, और उसके बाद आपको यहाँ पर देखना होगा कि USB डबिंग इनेबल है या नहीं। उससे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना होगा। उसके लिए आपको वीडियो अगल बगल देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। उसके बाद आपको सबसे ऊपर आना होगा और यहाँ पर सर्च करना है मोबाइल हॉटस्पॉट एंड USB थ्रोटलिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। ये आपको अलग अलग सेटिंग्स में मिल जाएगा, जैसे कि सिम के सेटिंग में या मोड्स के सेटिंग में, ये डिपेंड करता है आपके मोबाइल पर। उसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगर आप ब्लूटूथ की हेल्प से इंटरनेट ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अगर आप USB की हेल्प से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको USB थ्रोटलिंग को ऑन कर देना है यहाँ से। उसके बाद जैसे आप ऑन करोगे यहाँ पर देखिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ तरीके से आपको आइकन देखने को मिल जाएगा, जो कि होता है एक लैन केबल का सिंबल, जिससे आपका कंप्यूटर लैन से कनेक्टेड होता है। सेम इसी प्रकार से आपने अपने कंप्यूटर को मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको नो इंटरनेट दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटरनेट को बंद कर रखा है। जैसे मैं ओपन करता हूँ ये अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्टेड दिखाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्रोम को ओपन कर लेते हैं। देखिए मैंने क्रोम में अपने चैनल को ओपन कर रखा है और यहाँ पर देखिए एकदम अच्छे तरीके से चल रहा है इंटरनेट हमारा। और यहाँ पर मैं कुछ नए चीज़ें ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं अपना वेबसाइट techsolutionpro.blogspot.com, यहाँ पर देखिए हमारा वेबसाइट भी ओपन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में अपने मोबाइल की हेल्प से इंटरनेट का उपयोग कर पाओगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाया करे। और आप मुझे सभी सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो कर सकते हो, सभी के लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, तो आप जरूर फॉलो कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।